किचन के 20 टिप्स एंड ट्रिक्स। नंबर एक, परफेक्ट फ्रेंच फ्राइज बनाने के लिए आलूओं को काटकर उन्हें 2-3 मिनट के लिए पानी में उबाल लें। पानी से निकालकर इन्हें किचन नैपकिन या टिश्यू पेपर पर फैला दें, इससे इनका सारा पानी सूख जाए। अब इन्हें कॉर्नफ्लोर से डस्ट करके जिप लॉक बैग या एयरटाइट डिब्बे में बंद करके फ्रीजर में रख दें। ज़रूरत पड़ने पर निकालकर तुरंत फ्राई करें। नंबर दो, प्लेन मेयोनीज में हरी चटनी या टोमेटो चिली सॉस या चॉप किया हुआ धनिया पुदीना मिलाकर बिल्कुल नए स्वाद वाला डिप या स्प्रेड तैयार करें। नंबर तीन, लहसुन की 10-12 कलियों को बारीक काट के 1 चम्मच तेल में गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लें। इसे पानी निचोड़ दही में नमक, चिली फ्लेक्स और बारीक कटे धनिए के साथ मिलाएं। आपका हेल्दी और टेस्टी सैंडविच स्प्रेड एंड डिप तैयार है। नंबर चार, किसी ग्रेवी में अगर तेल या घी ज़्यादा हो जाए तो उसे थोड़ी देर के लिए फ्रिज या फ्रीजर में रख दें। ऊपर तैर रहा तेल जम जाएगा और आप आसानी से उसे निकाल कर फेंक सकती हैं। बाद में अपने डिश को सर्व करने से पहले दोबारा गर्म कर लें। नंबर पाँच, भिंडी अगर हर बार चिपचिपी बनती है तो इसे पकाते वक्त कुछ बूंदे नींबू के रस की डाल दें, इसका चिपचिपापन चला जाएगा। इसके अलावा आप भिंडी पकाते वक्त 1 चम्मच भुना बेसन भी डाल सकती हैं, इससे चिपचिपापन भी दूर हो जाएगा और भिंडी क्रिस्पी भी बनेगी। नंबर छः, इंस्टेंट नींबू पानी बनाने के लिए पहले से 2 कप चीनी को 1 कप पानी में घोल लें और इसमें 4-5 नींबू के रस मिला लें। इस मिश्रण को आइस ट्रे में डालकर फ्रिज कर लें। जब भी नींबू पानी या शिकंजी बनानी हो 2 क्यूब ग्लास में डालें, स्वादानुसार नमक डालें और पानी अपने पसंद के हिसाब से चिल्ड सोडा या पानी डालकर मिक्स कर लें। इससे आपको ड्रिंक में अलग से बर्फ़ डालने की ज़रूरत नहीं होगी और बर्फ़ डालने के बाद शरबत जो फीका पड़ने लगता है वो परेशानी भी नहीं होगी। नंबर सात, किसी भी डिश की क्रीमी और रिच ग्रेवी बनाने के लिए प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन और कुछ काजू के टुकड़ों को पानी में 5 से 7 मिनट के लिए उबाल लें। टमाटर का छिलका हटाने के बाद सभी चीज़ों को एक साथ पीस कर छान लें। इस बेस सॉस या पेस्ट के साथ अपनी ग्रेवी बनाएं तो बिल्कुल रिच और क्रीमी ग्रेवी बनेगी। नंबर आठ, ऑमलेट बनाने के लिए अंडा फेंटते वक्त उसमें 2 चम्मच दूध मिला लें, इससे ऑमलेट सॉफ्ट और फ्लफी बनेगा। नंबर नौ, मलाई से ज़्यादा मात्रा में घी निकालने के लिए उसमें बर्फ़ डालकर मिक्सी में चलाएं, इससे सारा मक्खन अलग होकर ऊपर आ जाएगा और मट्ठा नीचे रह जाएगा। इस मट्ठे या छाछ का इस्तेमाल आप कढ़ी या रवा इडली का बैटर बनाने के लिए कर सकती हैं। नंबर 10, इंस्टेंट क्रिस्पी पोटैटो चिप्स बनाने के लिए आलू के पतले स्लाइस काट के इन्हें बर्फ़ वाले पानी में थोड़ी देर के लिए रख दें और उसके बाद फ्राई करें। नंबर 11, बिना अंडे का सॉफ्ट और फ्लफी केक बनाने के लिए केक का बैटर पके केले और दही के साथ बनाएं। नंबर 12, लौकी का कोफ्ता या हलवा बनाने के लिए इसे कद्दूकस करने के बाद जो पानी निकले उससे आटा गूंथ लें। इसे पराठे ना सिर्फ सॉफ्ट और टेस्टी बनेंगे बल्कि हेल्दी भी होंगे। इस तरीके की और भी जानकारी के लिए, टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि इस तरीके की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।